अप्रैल फूल है, इनको अप्रैल फूल करती हूँ। ललिता क्या हुआ? पता नहीं क्या हो गया। क्या हुआ, पैर को चोट कैसे आई? ललिता इधर आके बैठो, बैठो इधर। गया जी, मेरा पैर गया। क्या हुआ, पैर को कैसे लगा? अप्रैल फूल। डर गए ना? अरे क्या, इतना भी नहीं समझ सकते? आज फर्स्ट अप्रैल है, अप्रैल फूल करते। और मैं तो हमेशा से माहिर रही हूँ अप्रैल फूल करने में। अप्रैल फूल के जगह स्टडी फूल की होती तो पहली फेल ना होती। करो करो और बेइज्जती करो, हमेशा आपको यही करना होता है। क्यों मेरी पहली फेल को हमेशा ऊपर लाते हो, जख्मों पे नमक छिड़कते हो? आप भी करो मुझे अप्रैल फूल, आपको नहीं आता क्या अप्रैल फूल करना? क्या करूं अप्रैल फूल करके, मेरा तो सबसे बड़ा अप्रैल फूल हो गया। क्या बात कर रहे हो, क्या बड़ा अप्रैल फूल हो गया आपके साथ? मैं जिस लड़की से प्यार करता था, मैं हाँ तुम ही, वो शादी के पहले तो बहुत अच्छी लगी, पर शादी के बाद भगवान ने मेरा अप्रैल फूल कर दिया। क्या कहना चाहते हो आप? कुछ नहीं, लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ, सोचती रहो, बाद में बताना मुझे क्या लगा तुम्हें। जाने दो। शिलभ बोलो, मेरा टिफिन हो गया? सासू माँ ने नहीं किया क्या टिफिन? माँ ने कहा आज तुम टिफिन करने वाली हो, अभी तुम बोल रही हो कि तुमने टिफिन नहीं किया। ओह नो सॉरी, मैंने भी नहीं किया। अभी तुम एक काम करो, बाहर से ही कुछ खा लो, वैसे भी तुम्हें बाहर का ज्यादा अच्छा लगता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, घर में पत्नी है, माँ है, फिर भी पति को बिना टिफिन के जाना पड़ रहा है ऑफिस, कमाल है। शिला अभी जी चला गया क्या? हाँ चला गया। टिफिन दे दिया उसको तूने? ये टिफिन का बोला था, पर उन्होंने कहा कि टिफिन नहीं लेंगे वो, उनको बाहर का ज्यादा अच्छा लगता है। लड़का भी ना। क्या बोला तुमने? मुझे बाहर का अच्छा लगता है। एक नंबर की झूठी, खुद ने टिफिन नहीं बनाया, मुझे वैसे ही बाहर भेज रही हूँ, और ऊपर से बोल रही हूँ कि उसको ही बाहर का पसंद है। मतलब खुद के ऊपर कुछ कभी आने ही मत दो, आदमी को ही बुरा साबित करो। तुम्हारा इमोशन तुम्हारा, मेरा इमोशन बाढ़ में गया। धीरे बोलो, सासू माँ सुन लेंगी। सुनने दो, मैं तो और जोर से चिल्लाऊंगा। अगर फिर से मुझे इससे झूठ बोल के फंसाया तो याद रखना, सच बोलना सीखो जरा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो ना, तो सच भी बोला करो। मुझे पता है तुम्हें सच पसंद है, तो सच बोला करो। मेरे साथ ही हमेशा क्यों झूठ बोलती हो? मैं सहता हूँ इसलिए। ऐसा गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए पति का, समझ गई? के हलो शिला। कुछ नहीं, कॉकरोच आया था। रास्ते से हटो, मुझे नीचे जाना है। नहीं हटूंगा। क्या करेगा तू? सोसाइटी तुम्हारी घर की नहीं है, जो सीढ़ियां ऐसी ब्लॉक कर दी है तुमने। हंसो मत फालतू इंसान। ओह मधु वर्सेस अभिजीत वंस मोर। ये देखो मधु, अब तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। मजबूर वो तो तुम पहले से हो, इसलिए शीला के साथ शादी की और शर्वरी से हाथ धो बैठे। क्या कर जाए पता नहीं है। देखो तुम अभी अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो, लिमिट में रहो समझे? करने दे लिमिट क्रॉस करने दे, तभी तो मेरा चिप्स का पैकेट फूटेगा। तू मुझे मेरी लिमिट मत सिखा, खुद लिमिट मेरे पहले। अभी जी क्या हुआ है? क्या होना है, ये मधु ने मेरा रास्ता ब्लॉक कर दिया है, मुझे नीचे जाने नहीं दे रहा और यहाँ पे दादागिरी कर रहा है। तुमको पता है ना वो कैसा है, क्यों उसके मुंह लगते हो तुम? क्या कैसे हूँ मैं? मधु तुम कितने अच्छे हो, पूरी सोसाइटी को पता है, बताने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? ठीक से बात करो। ठीक से ही बात कर रही हूँ मैं, और इससे ज्यादा ठीक से बात नहीं कर सकती, समझ गए? है युशिरा, तमीज के साथ बात करो मेरे हस्बैंड से। तुम मुझे तमीज मत सिखाओ, पहले थोड़ी तमीज अपनी पति को सिखाओ, जिसके पास तमीज नाम की चीज नहीं है। और रियली? यस रियली। ये देखो तुम दोनों, है यू बीच में मत बोलो। बोलेगा वो बीच में? He's my husband. एक नंबर का बदतमीज है तुम दोनों। अरे बदतमीज तो तुम और तुम्हारे हस्बैंड हो, जो जान बुझ के लड़ाई झगड़े करते हैं। अरे तुम्हारी पूरी फैमिली बदतमीज है, बस लड़ाई झगड़ा करना आता है और कुछ नहीं आता, सब सुख शांति से रहो। नहीं किसी ना किसी को उंगली करनी है तुम्हारी फैमिली को। है फैमिली के ऊपर नहीं जाने का,
फैमिली के ऊपर कैसे जा सकती है तो? क्यों नहीं जाऊं? जाऊंगी मैं फैमिली के ऊपर। ये देखो, शीला से पंगा नहीं लेने का, समझी? कल की आई मुझे सिखा नहीं है। मैं इस सोसाइटी में बहुत दिनों से रह रही हूँ। क्या हुआ? तुम रह गई हो, इसका ये मतलब नहीं किसी के भी साथ बदतमीजी करो तुम। क्या बदतमीजी कर रहे हम? ये क्या कर रहे हो फिर? दिख नहीं रहा मुझे? और तुम्हारा पति इससे पहले कितनी दफा बदतमीजी कर चुका है कितने लोगों के साथ, स्पेशली मेरे हस्बैंड के साथ तो बहुत झगड़ा करता ही है। Oh, really? प्रॉब्लम तो तुम्हारा हस्बैंड में है। बराबर, अभी जितना घर का ना घाट का। क्या बोली दा मच्छी को? मतलब ना शीला का ना सरोवर का। मेरे हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे हस्बैंड में प्रॉब्लम है, समझ गई? शीला, क्या हुआ? इतना जोर जोर से झगड़े की आवाज क्यों आ रही है? भाभी देखो ना इसको, जानबूझ के मुंह लग रही है मेरी, साथ ही इसका पति वो तो है ही निठल्ला पहले से। बहुत हुआ तुम्हारा, अभी मैं ऊपर आती हूँ। रोक, तुम क्या ऊपर आती हो, मैं ही नीचे आती हूँ। शीला क्या बात है, ये हुई ना बात, अब आएगा असली बात, दिखा दे क्या चीज है तू। दिखाती हूँ तुम्हें अभी मैं, रुको तुम वही। वाह, ये हुई ना बात, अब लग रही है तुम मेरी ननद। जा जा, सबक सिखाना उसको अच्छे से। हाँ भाभी, मेरे ऊपर विश्वास रखो, अभी अच्छे से सबक सिखाती हूँ। बहुत हुआ इसका, खुद को क्या समझ लिया पता नहीं। आइए कहाँ से वही भेज देती हूँ वापस। हाँ क्या बोल रही थी तुम? शीला आज एकदम मूड में लग रही है। तुमने कुछ सिखाया क्या उसको, या मेरे टिप्स दी? क्यों, तुम दोनों ने हमारा जीना हराम किया है। हमने कोई किसी का जीना हराम नहीं किया, जीना हराम तो तुमने सोसाइटी में आके लोगों का किया है, समझ गई? वाह वाह क्या बात है, महीने की शुरुआती धमाके के साथ हुए, पूरा महीना कैसे जाने वाला है पता नहीं। न्यूज चैनल में इनकी स्टोरी क्या आ गई, पता नहीं खुद को इंटरनेशनल कपल समझने लगे। अरे तुमसे पहले तो मैं आई हूँ बाहर से, हाँ मैं इंटरनेशनल कपल, जापान में मेरी स्टडी हुई, समझ गई? तुमने तो सिर्फ बाहर जाके स्टडी किया है, पर मैं तो बाहर से आई हूँ। उपकार नहीं किया तुम बाहर से आई हो तो, बात करती है बाहर से, निकलो बाहर से, इतना ही बाहर का शौक है तो क्यों निकलूं मैं बाहर? मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मेरा शादी हो गया है इनसे, अभी यही मेरा जिंदगी है, यही मेरा पति परमेश्वर है। ए शीला, ओए तुम इससे बात कर, पत्नी है मेरी, पत्नी। लफड़ा किसी के साथ, शादी किसी के साथ, वाह क्या बात है। अच्छा तुम तो बड़े दूध के धुले हो। मानव मैं दूध का धुला नहीं हूँ, पर तेरे जैसा डरपोक भी नहीं हूँ, जो अपनी माँ के पल्लू में बार बार जाके छुपता हो, किसी भी बात को लेके अपनी माँ के आगे तू बोल भी नहीं सकता वो बात। अरे कितना डरता है। हिम्मत तो तुम्हारे अंदर नहीं है। और रही बात माँ के पल्लू के पीछे छुपने की, तो सबसे ज्यादा अपनी माँ के पल्लू के पीछे तुम छुपते हो, और अभी मुझे लगता है अपने पत्नी के पल्लू के पीछे भी छुपने की तैयारी कर रहे हो तुम। ओए बस कर, नहीं तो पिटेगा। अरे वो क्या पिटेगा, तुम ही शांत बैठो, नहीं तो इतना पीट जाओगे ना, शक्ल भी पहचान में नहीं आएगी, मधु या मधुबाला। Hey you, तुमको पता भी है मेरा पति कितना स्ट्रॉन्ग है? अच्छा पता है पूरी सोसाइटी का कौन कितना स्ट्रॉन्ग है? दोनों के बीच पहले भी फाइट हो चुकी है, बहुत बुरी तरीके से पीटा था, मुझे आज भी वो दिन याद है, बहुत बुरा लगा था इनके लिए, पर अभी बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। अभिजीत अगर तुमको मारना हो तो बिंदास मारो, मेरी तरफ से खुली छूट है। क्या हुआ मधु, कैरोलिना, ससुमा, देखिए ना ये मेरे साथ कैसे बात कर रहे हैं। क्या बात कर रही है कारू? शीला की बातों ने मेरे को बहुत हर्ट किया, कारू को लुरा दिया मेरे। पूरे बाबा क्या कर रहे हो अभिजीत, क्या हो रहा है यहाँ पे? तुम्हारा बेटा और बहू मेरे बहू बेटे के साथ लड़ रहे हैं। अरे क्यों, तुम्हारा अभिजीत मेरे बेटे से पिटना चाहता है? लो बेटे तो बेटे, बहू तो बहू, अब तो सास भी शुरू हो गई। अभिजीत क्यों मधु से मार खाएगा? अरे आपका मधु ही मेरे अभिजीत से मार खाएगा, पता है ना कितनी बार पिट चुका है। ए सुनो ना सुनो, ऐसा लड़ो मत, ये जो लड़ाई है ना हम एक मुकाबले में तब्दील कर देते हैं, क्या कहते हो शर्मिला, हो जाए एक कंपटीशन। कंपटीशन? किस बात का कंपटीशन? कुकिंग कंपटीशन रखेंगे हम, कुकिंग, COOKING। भाई शीला को तो कुछ भी नहीं आता, पता नहीं क्या करेगी, इस लड़के को तो कुछ भी नहीं आता है। कुकिंग कंपटीशन का नाम सुन के आपके चेहरे पे 12 क्यों बज गए, आती नहीं क्या कुकिंग? आती है मुझे कुकिंग, बोलो। हाँ
आता है मजबूर इंसान। किसके बीच में होगा पर ये शीला और उसके कर दी अनब्रांडेड बात। जरा ब्रांडेड सोचो। अरे लड़ाई झगड़ा दो कपल्स के बीच हो रहा है, शीला अभिजीत और मधु कैरोना, तो फाइट भी दो कपल्स के बीच में होगी। यानी एक तरफ ये एक तरफ वो, ये दोनों अपनी अलग अलग रेसिपी करेंगे और फिर हम इनको जज करेंगे किसकी रेसिपी अच्छी बनी है। जिसकी अच्छी बनेगी वो जीत जाएगा। क्या कहते हैं पब्लिक, हो जाए कॉम्पिटिशन। हाँ हो जाने दो फिर। हाँ हाँ हो जाने दो, देखते हैं किसमें है कितना धाम। आराम से आराम से बाल न खा जाओ। ठीक है तेज रहा, करते हैं दोनों कपल्स के बीच में कुकिंग का कॉम्पिटिशन। हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। इतना कॉन्फिडेंस, चुप बैठो तुम, भरोसा रखो मेरे ऊपर। वही तो नहीं है। ठीक है तो फिर देखते हैं कौन है सोसाइटी का मास्टर कपल।